नमस्ते भारत, देख रहे हैं आप। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन नए साल के जश्न में लोग इस तरह से डूबे हैं मानो सब सामान्य हैं, कुछ हुआ ही नहीं। बेखौफ जनता को देखने से लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना का डर है। देखिए जश्न मनाने वाली जनता को खबरदार करने वाली ये रिपोर्ट। जोश में मत गवाओ होश, जश्न के लिए जोखिम में मत डालो जान। क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन जनाब ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ लोग भुगत कर भी नहीं सुधरते। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। कश्मीर से लेकर दार्जिलिंग और शिलोंग तक ऐसा कोई हिल स्टेशन नहीं जो खचाखच ना भर गया हो। ओमिक्रॉन संकट के बीच लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर अपने फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं नए साल के स्वागत के लिए। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, चाहे जो भी नाम ले लीजिए, इन हिल स्टेशन पर लोगों का हुजूम जमा पड़ा है। हर कोई नए साल के जश्न के लिए बेताब है। ना चेहरे पर मास्क है, ना दिल में कोरोना का कहर, बस नए साल की खुमारी छाई है। मैंने भी मास्क पहना नहीं है, मैं सोच रही हूँ बस दो वैक्सीन ले लिए हैं तब मुझे कुछ नहीं होगा। बट जितना लापरवाही करोगे उतना ये बढ़ते जाएगा। तो बट ऑब्वियस है, प्रिकॉशंस लो सब लोग, मैं भी लूँ, हर कोई लो। लोगों को पता है, यू नो, जो लोग सावधानी बरक रहे हैं उनको वो दिख रहा है कि यू नो उसका फ़ायदा भी है। हाल ही में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे लोग ये सोच के कि चलो अभी तो वैक्सीन भी मिल रहे हैं, दो दो डोजेस भी मिल रहे हैं, सो यू नो इट रिलैक्स। टाइमिंग का आपका ओमिक्रॉन का वो बोल रहे हैं कि 10:30 बजे के बाद बंद है, तो सच्ची तो सर 12 बजे के बाद ही मज़ा आता है और 12 बजे ही इंजॉय करने का मजा आता है। रश भी नहीं है यहाँ पे, उससे पहले तो फिर कोई फायदा नहीं ना सर, तो इसलिए फिर हम सोच रहे हैं कि हम कल वापस चले जाए। न्यू ईयर का आगाज हम लोग कश्मीर से करेंगे और यहाँ की ब्यूटी एंजॉय करेंगे, और रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर। बहुत अच्छा वेदर है। जैसलमेर की इस भीड़ को देख लीजिए, यहाँ भी वही हाल है। कोरोना नियम ताक पर रखकर लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। गवर्नमेंट कितनी देर कितने टाइम तक आपको बोलती रहेगी? हमको खुद को भी ऐसा रखना पड़ता है, सेफ्टी प्रिकॉशन खुद को भी रखना पड़ता है कि टाइम टू टाइम थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखे। क्राउड तो हर जगह है, सोचता खुद को है कि खुद की जान लेके जा रहे हो तुम, तो खुद को प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे ना। कुछ जगहों पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। जयपुर में पुलिस ने तौबा नाम का अभियान चलाया है, जिसके तहत नए साल के जश्न में सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों को थाने में बिठाकर सबक सिखाया जा रहा है ताकि इनको अक्ल आ जाए। जिले के अंदर अभियान चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो शराबी है, हुड़दंगी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि नववर्ष पे जो है शांति व्यवस्था कायम की जा सके। प्रतापनगर सर्कल के अंदर कल भी ये कार्रवाई की गई थी, 34 लोगों को हम लोगों ने पाबंद करवाया था इसमें, और आज जो है टोटल सर्कल के अंदर 43 है जिनको अपन ने सांड पुलिस एक्ट के अंदर जिनके खिलाफ कार्रवाई की है, और कल भी ये जो कार्रवाई है जारी रहेगी। हमारी जिम्मेदारी देश को आगाह करने की है, सरकार की जिम्मेदारी जनता को जागरूक करने की है, पुलिस की जिम्मेदारी नियमों के पालन करवाने की, पर इन पर अमल करने का काम जनता का है। अगर जनता नहीं समझती तो फिर शायद लोग अपनों को खोएंगे, ऑक्सीजन के लिए तड़पेंगे। इसलिए जान जरूरी है, और कहावत भी है, जान बची तो लाखों पाए। जान है तो सब है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। ABP News, आपको रखे आगे।